तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। एक बार फिर से क्लास संस्कृति की एक सीरीज शुरू की थी हमने, उसको फिर से अब आगे बढ़ाते हैं। और मैंने शुरुआत में जो आपको बताया था वो बताया था, मैं दुर्गों के बारे में बता रहा था और दुर्ग बताए थे मैंने शुक्र नीति के अनुसार। और अपन ने बात भी की थी कि भी शुक्र नीति के अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग होते हैं। दुर्गों की श्रृंखला में चल रहे थे और दुर्गों की श्रृंखला में अपन बात कर रहे थे शुक्र नीति, और शुक्र नीति के अनुसार कितने प्रकार के दुर्ग थे? 9 प्रकार के। 9 प्रकार के दुर्गों का अपन चर्चा कर रहे थे। 9 प्रकार के दुर्ग, 9 प्रकार, ये शुक्र नीति के अनुसार है। और अपन ने इसकी चर्चा कर ली थी, और एक बार मैं फिर से मोटा मोटा आपको बता देता हूं कि अपने सबसे पहले जो बात की थी एरन दुर्ग के बारे में, और फिर एक धानवन दुर्ग के बारे में बात की थी, एक अपन ने पारिख के बारे में बात की थी, एक पारिध दुर्ग के बारे में बात की थी, ऐसे करके जल या ओदक दुर्ग है, और आपके सैन्य दुर्ग है, सहाय दुर्ग है, वन दुर्ग है, गिरी दुर्ग है। इस प्रकार के अपन ने 9 दुर्गों के बारे में चर्चा की थी। आज अपन दुर्गों के श्रेणियों के बाद अपन किसी दुर्ग के बारे में बात करते हैं। फोर्ट, किले के बारे में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जिसके बारे में कहा जाता है कि गढ़ में तो सिर्फ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ ही है, उसी दुर्ग की आज बात करेंगे। और आगे चलते हैं, अपन चित्तौड़ दुर्ग के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले चित्तौड़ का किला, चित्तौड़ दुर्ग। चित्तौड़ का किला है, सभी श्रेणियों में ये किला आता है, केवल एक श्रेणी छोड़ दी जाए तो। अगर अपन एक श्रेणी छोड़ देते हैं तो ये सभी प्रकार की श्रेणियों में आ जाता है। अच्छा, वो कौन सी श्रेणी छोड़ दे अपन? अगर अपन धनवन श्रेणी छोड़ दे, अगर अपन धनवन श्रेणी, मैंने बताया था आपको धा से धुरा, धा से धुरा रेतीला टीला, रेगिस्तान में बना हुआ किला धनवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। अगर इस श्रेणी को छोड़ दिया जाए तो बाकी 8 श्रेणियों में आ जाता है अपना चित्तौड़ दुर्ग। 8 प्रकार की श्रेणियों में आ जाता है चित्तौड़, सिर्फ धनवन को छोड़ दिया जाए तो। जैसे मोटे मोटे तौर पे अपन गिरी दुर्ग की बात करें कि गिरी दुर्ग जो पहाड़ी पे बना हुआ किला गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है, तो इधर ले लेते हैं अपन कि ये चित्रकूट नामक पहाड़ी पर बना हुआ है, चित्रकूट पहाड़ी पे बना हुआ है। अच्छा, चित्रकूट पहाड़ी के ऊपर बना हुआ पठारी जो क्षेत्र है, उस पठारी क्षेत्र पे किला बना हुआ है, मेसा के पठार पे। चित्रकूट पहाड़ी और मेसा के पठार पे ये किला बना हुआ है, गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। अगर अपन इसे जल दुर्ग की श्रेणी में ले तो जल दुर्ग के हिसाब से ये किला आता है गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पे। गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पे ये किला बना हुआ है, इसलिए इस दुर्ग को जल दुर्ग की श्रेणी में भी रख लेते हैं। अच्छा, चित्रकूट पहाड़ी पे, मेसा के पठार पे, गंभीरी व बेड़च नदियों के किले की दीवार बहुत मजबूत है, या मैं कहूं इसका परकोटा, चारों ओर की मजबूत दीवार, इसके चारों ओर का परकोटा बहुत मजबूत है, पारिद दुर्ग भी है, सैनिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण किला है। सैनिक दृष्टि से ये किला वो किला जिसमें सैनिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया हो, वो किला सैन्य दुर्ग कहलाता है। सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, या आप इसके लिए एक शब्द काम में ले लेते हैं, सामरिक महत्व। ये किला सामरिक महत्व की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, इस कारण ये सैन्य दुर्ग की भी श्रेणी में आ जाता है। इस प्रकार यदि हम
इसको धनवन दुर्ग की श्रेणी छोड़ दें तो यह किला सभी प्रकार की श्रेणियों में आ जाएगा। तो पहली बात तो यह है कि चित्तौड़ का किला कितनी श्रेणियों में आता है, तो शुक्र नीति द्वारा बताई गई 9 श्रेणियों में एक धनवन को छोड़ के सभी श्रेणियों में आता है। फिर दूसरी बात, यह कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ है, तो ये चित्रकूट नामक पहाड़ी पे बना हुआ है और मेसा के पठार पे बना हुआ यह किला है। गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पे बना हुआ एक किला है। पारिद दुर्ग की श्रेणी में आता है, इसका चारों ओर का परकोटा बहुत मजबूत है। और सैन्य दुर्ग की श्रेणी में आता है, सैनिक दृष्टि सैनिक सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखकर बनाया गया है, सैनिक सुरक्षा को महत्व देते हुए बनाया गया, सामरिक महत्व का किला है, इसलिए ये सैन्य दुर्ग की श्रेणी में भी आ जाता है। अच्छा, इसकी और बातें करते हैं चित्तौड़ दुर्ग के बारे में कि क्या क्या है। तो फिर से मैं चित्तौड़ दुर्ग नाम डालता हूं और इसकी सिलसिलेवार में आपको बातें बताता हूं। पहली बात तो ये इस किले का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था, इस किले का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। एक तो पुस्तक है कुमारपाल, ये पुस्तक का नाम है कुमारपाल प्रबंध, एक पुस्तक है कविराज श्यामलदास द्वारा लिखी हुई वीर विनोद। कुमारपाल प्रबंध और वीर विनोद, ये जो दो पुस्तकें हैं, इन दोनों पुस्तकों के अनुसार तो इस किले का निर्माण चित्रांग या चित्रांगद मौर्य ने करवाया है। तो पहली बात तो ये, इसका निर्माण किसने करवाया, तो चित्रांग मौर्य ने करवाया। आप पढ़ते भी हो कि मेवाड़ का जब इतिहास शुरू किया जाता है तो सबसे पहले एक लाइन अपने को ध्यान में रखनी होती है कि यहां प्रारंभ में मौर्यों का शासन था, उसके बाद में मानमौरी मौर्य नाम के राजा को बप्पा रावल ने पराजित किया और मेवाड़ में गोहिल वंश की स्थापना की। तो यहां मौर्य नाम का अपने को जानकारी मिल रही है। इस किले का निर्माण चित्रांग या चित्रांगद मौर्य ने करवाया। अगली बात करें तो चित्तौड़ का किला चित्रकूट पहाड़ी पे, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया है आपको, चित्रकूट पहाड़ी पे और मेसा के पठार पर है। ये किला बना हुआ है। अच्छा, अगली बात करते हैं तो ये गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पे है, जैसे कि मैंने बताया कि जली या उदक दुर्ग की श्रेणी में भी आता है, गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पे बना हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं और क्या क्या बातें होती है इसके बारे में। इस किले का निर्माण चित्रांग मौर्य ने करवाया, ये किला चित्रकूट पहाड़ी मेसा के पठार पे बना हुआ है, गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पे है। चित्रांग मौर्य ने करवाया, लेकिन आपसे पूछा जाए कि इस किले का आधुनिक निर्माता कौन है। आज जैसा अपन किले का स्वरूप देख रहे हैं, आज जैसा किले को अपन देखते हैं, वो किला ऐसा रूप देने वाले मेवाड़ महाराणा कुंभा जी थे। तो मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने इसको आधुनिक स्वरूप प्रदान किया है। तो इसके आधुनिक निर्माता महाराणा कुंभा है। आगे बात करते हैं तो उपनाम देखते हैं, क्या क्या अन्य नामों से इसको जाना जाता है, इसके क्या क्या अन्य नाम है, इस किले के क्या क्या उपनाम है। तो इस किले का एक उपनाम तो है राजस्थान का गौरव इस किले को कहते हैं। राजस्थान का गौरव कहा जाता है। आपको एक बात बताऊं, अभी अपन बात कर रहे हैं चित्तौड़ दुर्ग के बारे में, जैसे ये राजस्थान के नक्शे के बारे में बात करें
तो हमारे यहाँ चित्तौड़ का किला बना हुआ है, ठीक है, ये चित्तौड़ दुर्ग है। और चित्तौड़ दुर्ग है, इधर से देखेंगे मालवा का प्रवेश द्वार, दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं इसको, दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं, मालवा का प्रवेश द्वार कहा जाता है इसको, और राजस्थान का गौरव कहा जाता है ये मालवा। बात करेंगे आगे मालवा के इतिहास, मेवाड़ से जुड़ी हुई घटनाओं के बारे में। तो ये मालवा का प्रवेश द्वार, दक्षिण का प्रवेश द्वार, राजस्थान का गौरव, जैसा कि मैंने कहा गढ़ में तो सिर्फ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ ही। तो वही बात है, इसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है और इसे किलों का सिरमौर कहा जाता है, किलों का सिरमौर। इसके अलावा मालवा का प्रवेश द्वार, दक्षिण का प्रवेश द्वार, ये दुर्ग भी इसके नाम है। और आगे बढ़े फिर अपन और बात करते हैं चित्तौड़ दुर्ग के बारे में, उपनाम हो गए और निर्माण के बारे में हो गया। चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, चित्तौड़ दुर्ग के उपनाम क्या क्या है, कौन सी पहाड़ी पे है, कौन से पठार पे है। उसके बाद में अपन इसकी स्थापत्य कला के बारे में बात करते हैं, चित्तौड़ दुर्ग की स्थापत्य कला, दुर्ग की स्थापत्य कला की बात करें तो अपने को क्या क्या मिलता है। देखें अपन बात करते हैं मंदिर की, और अपन बात करते हैं महलों की, अपन बात करते हैं स्तंभों की, अपन बात कर सकते हैं इसके अंदर जो तालाब वगैरह, या मैं यूं कहूं जल के स्रोतों की, जल सोर्स, जल स्रोत। मंदिर हो गया, महल हो गया, यहां पे बात कर सकते हैं अपन छतरियों की, छतरियां। अच्छा, इसके मुख्य मुख्य दरवाजे जहां पे अपने को छतरियां बनी हुई मिलती है, ये दरवाजों की बात कर लेते हैं। ये चित्तौड़ दुर्ग के अंदर की स्थापत्य कला है, मंदिर है, दरवाजे हैं, महल है, स्तंभ है, तालाब या जल के सोर्स स्रोत है, छतरियां हैं, ये चित्तौड़ दुर्ग के अंदर बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं चित्तौड़ दुर्ग में बने हुए मंदिरों की, चित्तौड़ दुर्ग में बने हुए मंदिर कौन कौन से। तो यहां पे अपने को एक कालिका माता का मंदिर मिलता है, यहां पे अपने को एक मंदिर मिलता है, कालिका माता का मंदिर। अच्छा, कालिका माता के मंदिर के बारे में थोड़ी बात करें अपन, तो कालिका माता का जो मंदिर है ये प्राचीन समय में कोई सूर्य मंदिर हुआ करता था, प्राचीन समय में सूर्य मंदिर था, और बाद में कोई टाइम इस चित्तौड़ दुर्ग पे कुछ आक्रांताओं ने आक्रमण किया और उनके आधिपत्य में भी ये किला रहा है, ये तोड़ फोड़ दिया गया सूर्य मंदिर। बाद में महाराणा कुंभा के समय इसमें कालिका माता की मूर्ति की स्थापना की गई और ये आज कालिका माता का मंदिर है। तो इसका जो प्राचीन समय में सूर्य मंदिर था, इसका फिर बाद में निर्माण या जीर्णोद्धार पुनर्निर्माण ये महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया है, महाराणा कुंभा इनके द्वारा करवाया गया है। इस किले के अंदर मीरा मंदिर बना हुआ है, मीरा मंदिर, मीरा की भक्ति के बारे में तो आप जानते ही हो, भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे, अपने पति के रूप में उन्होंने उनको पूजा है, भगवान कृष्ण को अपना पति परमेश्वर माना है, तो मीरा मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा महाराणा कुंभा द्वारा बनाया हुआ यहां पे कुंभ श्याम, या जिसका दूसरा नाम है कुंभ स्वामी मंदिर भी है, कुंभ श्याम या कुंभ स्वामी मंदिर, ये भी चित्तौड़ के किले के अंदर एक मंदिर बना हुआ है। ये कुंभ श्याम कुंभ स्वामी मंदिर महाराणा कुंभा द्वारा बनवाया गया। ऐसे कुंभा जी ने तीन मंदिर बनवाए थे, एक चित्तौड़ दुर्ग में,
एक अपने अचलगढ़ सिरोही में और एक राजसमंद के कुंभलगढ़ दुर्ग में, तीन जगह है कुंभ श्याम या कुंभ स्वामी मंदिर बने हुए हैं। ये कुंभा जी द्वारा बनवाया गया है। अच्छा, एक अपन और बात करेंगे मंदिरों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए। एक है तुलजा भवानी का मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर। कोई समय मेवाड़ की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो जाने की वजह से कुछ समय के लिए एक बनवीर नाम के शख्स को मेवाड़ का प्रशासन दिया गया था। मेवाड़ के महाराणा विक्रमादित्य हुआ करते थे। अच्छा, छोटे होने के कारण बनवीर को वहां का प्रशासक बनाया गया। बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या की और उदय सिंह की भी हत्या करनी चाही, लेकिन पन्ना धाई ने अपने पुत्र चंदन की बलि देके बचा लिया उनको, लेकिन बनवीर ने शासन अपने हाथ में ले लिया और अपने आप को एक स्वतंत्र राणा समझने लगा। उसी दौरान जिस समय बनवीर यहां का प्रशासक बना था, उसी दौरान उस बनवीर ने इस तुलजा भवानी के मंदिर का निर्माण करवाया था। बनवीर ने तुलजा भवानी के मंदिर का निर्माण करवाया। अच्छा, ये तुलजा भवानी मराठा शासक शिवाजी की कुलदेवी है। मराठा शासक शिवाजी की कुलदेवी है। मराठा शासक शिवाजी की कुलदेवी तुलजा भवानी। अच्छा, इस मंदिर का निर्माण तुलादान के बाद करवाया गया। तुलादान के बाद, तो ऐसा नहीं है कि तुलादान के बाद इसका निर्माण होने के कारण इसका नाम तुलजा भवानी है। तुलादान का यह मतलब होता है अपने वजन के बराबर धन का दान करना। जिस राजा की जैसी हैसियत वैसा वैसा तुलादान, चांदी के सिक्कों का कर दे, सोने का कर दे, हीरे मोतियों का कर दे, राजा की जैसी जैसी हैसियत रहती है, अपनी लिमिट रहती है, वहां तक वो दान कर सकता है तुलादान। और हम इतिहास में देखते हैं कि हमारे इतिहास में खूब सारे ऐसे राजा हुए हैं जिन्होंने तुलादान किया है। अच्छा, एक तुलजा भवानी का मंदिर है। ये चित्तौड़ में मुख्यतः अपन मंदिर देखते हैं, कालिका माता का मंदिर, मीरा मंदिर, कुंभ श्याम, कुंभ स्वामी मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर। मंदिरों के बाद में अपन बात कर लेते हैं इनमें, दरवाजों की बात अपन बाद में करेंगे, क्योंकि अपन छतरियों को दरवाजों को साथ में पढ़ेंगे तो अपने को पता चलेगा कि कौन से दरवाजे पर कौन सी छतरी बनी हुई है। वैसे सात दरवाजे हैं मोटे तौर पे। अच्छा, खूब सारे दरवाजों के नाम ऐसे रहते हैं, गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है गणेश पोल, हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है हनुमान पोल, सूर्य उदय होते टाइम रोशनी आती है जिस दरवाजे से सूरज पोल, चांद दिखता हो चांद पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, ठीक है, ऐसे दरवाजों के नाम हुआ करते थे। सिमिलर से नाम कई दुर्गों में मिलते हैं। तो दरवाजे वही बात करेंगे जहां पे छतरियां बनी हुई है, ठीक है। अभी अपन बात करते हैं महलों की। महल कौन कौन से हैं चित्तौड़ के किले में, तो महलों की बात बता देता हूं मैं आपको। तो चित्तौड़ दुर्ग के अंदर महलों की श्रृंखला में अपन देखते हैं तो खूब मिलते हैं। चित्तौड़ के किले में रानी पद्मिनी का महल मिलता है, पद्मिनी महल। इसके अलावा अपने को जो और महल मिलते हैं उसमें एक खातन का महल है, खातन का महल। और खूब सारे गोरा बादल महल, गोरा बादल महल, जेमल पत्ता महल, फत्ता महल या जेमल पत्ता, जेमल फत्ता महल। ये योद्धा हुए हैं बहुत तगड़े, इनका इतिहास रहा है। जेमल फत्ता, गोरा बादल, जेमल फत्ता महल। और इसके अलावा एक नवलखा महल है। अच्छा, नवलखा महल है। इस नवलखा महल को नौ कोठा मकान कहा जाता है, नौ कोठा मकान।
और ये कोई महल की तरह नहीं, ये अनाज का भंडारण स्थान है, अनाज रखने का गोदाम है ये। नौकोटा महल, महलों में रखा करते थे अनाज। इस टाइप के महल बने हुए हैं, चित्तौड़ के किले में पद्मनी महल बना हुआ है, खातन का महल बना हुआ है, गोरा बादल महल बना हुआ है, जेमल फत्ता महल बना हुआ है, नवलखा महल बना हुआ है जिसे नौकोटा मकान कहा जाता है। महलों के बाद में अपन फिर आगे बढ़े तो आगे चीज देखते हैं अपन। महल के बाद अपन स्तंभ की बात करते हैं, स्तंभों की बात करते हैं। तो स्तंभ में देख लीजिए, चित्तौड़ के किले में दो स्तंभ है मुख्यतया। दो स्तंभ में एक है विजय स्तंभ या इसको कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं, विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। दूसरा है वो भी कीर्ति स्तंभ है लेकिन उसको अपन थोड़ा डिफरेंट करने के लिए, पहचान के लिए बोल देते हैं जैन कीर्ति स्तंभ। है तो दोनों स्तंभ ही और दोनों चित्तौड़ के किले में है, दोनों अलग अलग है और दोनों को अलग अलग ही बताया जाता है, दोनों को बनाने वाले भी अलग अलग है। अच्छा, एक विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ है और एक जैन कीर्ति स्तंभ है जिसके बारे में हम अक्सर सुनते हैं, जिसके बारे में अक्सर अपन ने पढ़ा है, जाना है, वो विजय स्तंभ कीर्ति स्तंभ, वो ऊपर वाला। इसके बारे में तो कई लोगों को पता ही नहीं है कि है क्या। एक ही मान लेते हैं, चित्तौड़ किले में एक विजय स्तंभ है, दो है। हालांकि जो सबसे महत्वपूर्ण ये विजय स्तंभ बनवाया गया था एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के बाद में, एक विजय के बाद में, तो वो विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ। सबसे पहले विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ की बात करते हैं। तो विजय स्तंभ के बारे में देखो, जो ऊपर था विजय स्तंभ, इसके बारे में बात करेंगे अपन। विजय स्तंभ, तो ये जो विजय स्तंभ है जिसको अपन कीर्ति स्तंभ बोल रहे हैं, जिसको अपन जैन कीर्ति स्तंभ नहीं बोल रहे हैं, वो उस विजय स्तंभ की बात करते हैं। इसका निर्माण महाराणा कुंभ ने करवाया था, इसका निर्माण करवाया महाराणा कुंभ ने। महाराणा कुंभ ने इसका निर्माण 1440 से लेकर 1448 सारंगपुर युद्ध 1437 की विजय के उपलक्ष में, विजय स्तंभ का निर्माण विजय के उपलक्ष में हुआ है। कौन सी विजय? सारंगपुर युद्ध विजय के उपलक्ष में। ये इतिहास का है थोड़ा। राणा कुंभाजी और मालवा का शासक महमूद खिलजी प्रथम मालवा का शासक महमूद खिलजी प्रथम और राणा कुंभा के बीच में 1437 में सारंगपुर युद्ध हुआ था, कुंभा के विद्रोही महपा पवार को शरण देने से लेकर। महमूद खिलजी प्रथम ने शरण दे दी, कुंभा ने अपना विद्रोही मांगा, नहीं लौटाया, क्योंकि महपा पवार राणा कुंभा के पिताजी महाराणा मोकल की हत्या में सहयोगी था। इस विजय के उपलक्ष में बना है, 1440 से लेकर 1448 तक इसका निर्माण हुआ है, निर्माण महाराणा कुंभ ने करवाया है। और आगे बढ़े तो भगवान विष्णु को समर्पित है, विष्णु भगवान को समर्पित है, इसलिए इसके उपनाम में अपन देखते हैं कि इसे विष्णु ध्वज या भगवान विष्णु की सवारी है गरुड़, विष्णु ध्वज या गरुड़ ध्वज भी कहते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित है, इसे विष्णु ध्वज या गरुड़ ध्वज भी कहते हैं। इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। असंख्य मूर्तियां रखी हुई है, खूब सारी मूर्तियां रखी हुई है। अच्छा, मूर्तियों का अजायब घर है, मूर्तियों का अजायब घर,
अजायब घर, मूर्तियों का अजायब घर, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, गरुड़ ध्वज, विष्णु ध्वज, इंग्लिश में बोल दो विजय स्तंभ को विक्ट्री टावर, विक्ट्री मतलब विजय, स्तंभ टावर, विक्ट्री टावर, विजय स्तंभ, ये इसके नाम हो जाते हैं, अन्य नाम विजय स्तंभ के। तो क्या क्या बात हो गई, निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया, 1440 से लेकर 48 सारंगपुर युद्ध विजय के उपलक्ष्य में करवाया, और ये सारंगपुर युद्ध हुआ था राणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के बीच में, कुंभा जी विजयी रहे थे इसके अंदर, तो विजय के उपलक्ष्य में बना है। अच्छा, विष्णु भगवान को समर्पित है और उपनाम विष्णु ध्वज गरुड़ ध्वज, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, मूर्तियों का अजायब घर, विक्ट्री टावर, ये इसके नाम है, उपनाम, अन्य नाम। बनावट की बात कर लेते हैं विजय स्तंभ की, तो बनावट की बात करें तो विजय स्तंभ 9 मंजिला है, विजय स्तंभ 9 मंजिला है। अच्छा, 120 से 122 फीट के समथिंग ऊंचा, 30 फीट इसकी चौड़ाई है, 30 फीट इसकी चौड़ाई है, मोटे मोटे तौर पे यही ध्यान रखना है, ये ध्यान नहीं रखना आड़िया कत्ता है, पेड़ियां गत्ती है, ये ऐसी चीज ध्यान नहीं रखनी है, बड़ी बड़ी ढंकी ढंकी चीज, कायदे की चीज, पढ़ने वाली चीज ध्यान रखनी है, कुछ भी पढ़ने शुरू हो जाते हो, ये जरूरी नहीं है कि किसी चीज के बारे में पढ़ते जाओ संपूर्ण ज्ञानी हम बन नहीं सकते, अपने को चाहिए सिलेक्शन, और सिलेक्शन के हिसाब से पढ़ना है, अपने को जानकारी होनी चाहिए, गवर्नमेंट आपसे ये चाहती है कि जहां आपकी पोस्टिंग हो वहां की आपके ज्योग्राफिकल कल्चरल ये सारी बातें आपके नॉलेज में हो, बस आपको मोटे तौर पे उनका ज्ञान होना चाहिए, यहां मोटे तौर पे सिलेक्शन के लिए ज्ञानी अपने को बनना नहीं है, संपूर्ण ज्ञान ले नहीं सकते, शुरू हो जाते हैं एक माने ए पेड़िया है ती, एक अता आड़िया है, अता रोशनदान है, एक खिड़कियां हैं अठे अठे खिड़कियां में किला ठोकेड़ी है, ठीक है, तो ऐसी बातें अपने को ध्यान में नहीं रखनी। 9 मंजिला है, अगर अलग अलग मंजिल की बात करें तो अलग अलग मंजिल की बात करते हैं, तो एक मंजिल जो शुरुआत से बात करते हैं तो थर्ड मंजिल है, तीसरी मंजिल, वैसे 9 मंजिल है ना, थर्ड मंजिल है, इसमें 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है, और ये अपने आप में बड़ी ही अनोखी बात है, 9 बार अल्लाह, मेवाड़ के राणा कुंभा, एक लिंग जी के दीवान, भगवान शिव के भक्त, अपने द्वारा बनाए गए विजय स्तंभ 9 बार अल्लाह लिखवा रहे हैं। इसका मतलब कुंभा जी सभी धर्मों का आदर करने वाले इंसान थे, धार्मिक सहिष्णुता वाले इंसान थे, और ये इन्होंने ये साबित किया है अपने द्वारा बनवाए गए विजय स्तंभ पे 9 बार अल्लाह लिखवा रहे। थर्ड मंजिल, इसकी फिफ्थ मंजिल की बात करें तो फिफ्थ मंजिल पे इसके वास्तुकारों के नाम लिखे हुए, इसके वास्तुकार का नाम लिखा हुआ है, वास्तुकार कौन कौन, जेता, पुमा, नापा, पुंजा, नाम देख रहे हो, हैं? जेता, पुमा, नापा, पुंजा, ये पिताजी है, ये बेटे हैं, बाप बेटा सह इंजीनियर इंजीनियर है, इन्होंने इसको डिजाइन दी है, बनाया है। अच्छा, वास्तुकार का मतलब यह नहीं कि करनी लेर शुरू होगा चट लगावन, वास्तुकार का मतलब डिजाइन देने वाले। इसकी आठवीं मंजिल जिसपे कोई मूर्ति नहीं है, इसका मतलब बाकी हर एक मंजिल पे आपको मूर्ति मिल जाती है, किसी न किसी भगवान की, भगवानों के अवतारों की खूब सारी मूर्तियां हैं, तभी तो भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश है, मूर्तियों का अजायब घर है। आठवीं मंजिल पे कोई मूर्ति नहीं है। इसकी नौवीं मंजिल बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गई थी, ये क्षतिग्रस्त हो गई थी, या मैं यूं कहूं विजय स्तंभ क्षतिग्रस्त हो गया था, इसका बाद में जीर्णोद्धार इसका पूरे का ही करवाया था,
आगे चल के एक महाराणा हुए थे, महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह, इन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। ये मोटे मोटे तौर पे मंजिलें नौ है, लेकिन अपन तीसरी मंजिल, फिफ्थ मंजिल, एट मंजिल, नौवीं मंजिल, इनमें अपने को ध्यान रखने वाली क्या चीज, ये वास्तुकार हो गए। नौ बार अल्लाह कौन सी मंजिल पे लिखा हुआ, थर्ड मंजिल पे, आठवीं मंजिल पे कोई मूर्ति नहीं है, और नौवीं मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो इसका पूरे का ही जीर्णोद्धार महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया। महत्व किस किस ने दिया इसको, मोटी मोटी बात करेंगे महत्व में, कि इसको महत्व देने वाला अपना एक विभाग आरबीएस, एक विभाग अपना राजस्थान पुलिस, आरबीएसई, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, आरबीएसई, ये थोड़ा सा गलत टाइप हो गया, सही लिख देता हूं इसको, आरबीएसई और राजस्थान पुलिस, इनका प्रतीक चिन्ह है। इनका क्या है, ये प्रतीक चिन्ह। ये तो हुई हमारे राजस्थान के अंदर काम करने वाले विभाग जिनका प्रतीक चिन्ह है एक संस्था, आजादी के लिए संघर्ष करने वाली संस्था अभिनव भारती, या महाराष्ट्र की संस्था मित्र मेला नाम था, तो अभिनव भारतीय संस्था का लोगो रहा है, विजय का प्रतीक रहा है, वीर सावरकर जी द्वारा बनाई गई संस्थाएं थी, उस संस्था का भी प्रतीक रहा है। तो ये ध्यान रखना है अपने को, आरबीएसई और राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह महत्व मिला है, हमारे राजस्थान की इमारत है इसको, भारत संचार द्वारा भी इसको महत्व मिला है। 15 अगस्त 1949 इस पे डाक टिकट जारी हुआ, इस पे डाक टिकट भारत संचार जारी करता है डाक टिकट, ये राजस्थान की पहली इमारत जिसपे डाक टिकट जारी हुआ, पहली इमारत जिसपे डाक टिकट जारी हुआ, ये विजय स्तंभ, राजस्थान की पहली इमारत जिसपे डाक टिकट जारी हुआ, आरबीएसई राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह रहा है ये। इसके अलावा इसके बारे में और बातें करें तो इसकी तुलना किस किस से की गई, तो विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, ये सब नाम तो दिए गए। एक विदेशी इतिहासकार है फर्ग्यूसन, और एक है कर्नल जेम्स टोड, घोड़े वाला बाबा, टोड बाबा, किसी भी इतिहास के किसी भी कोने में सामाजिक बातों में, धार्मिक बातों में, जनजातीय बातों में, ऐतिहासिक बातों में, स्थापत्य में, संस्कृति में टोड नहीं आए, मजा नहीं आए वैसा, ये कर्नल जेम्स टोड है जो कहीं पे बाबा तैयार रहेगा, ये धुनी वाले बाबा यही है, हर एक जगह मौजूद मिलेंगे। फर्ग्यूसन इसकी तुलना रोम के टार्जन से करता है, टावर से, टार्जन टावर, रोम के टार्जन, इटली, इटली की राजधानी, और कर्नल जेम्स टोड इसकी तुलना कुतुब मीनार से करता है, भले ही कुतुब मीनार दिखने में बहुत ऊंची है लेकिन स्थापत्य के अंदर तो विजय स्तंभ भी है, ऐसा कौन कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड की सुंदरता में, जिसकी स्थापत्य बनावट जिसकी अनोखी है, सुंदर है, वो कुतुब मीनार से भी बहुत सुंदर है, भले ही कुतुब मीनार दिखने में बहुत ऊंची है ही ऊंची, दिखने में क्या है ही ऊंची वो, तो कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना कुतुब मीनार से की और फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन से की। ये अपने राजस्थान के चित्तौड़ दुर्ग में स्थित विजय स्तंभ है जिसकी अपन ने सारी बातें कर ली है, इसे ही कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। अच्छा, एक बच गया जो जैन कीर्ति स्तंभ, इसके बारे में थोड़ी बातें और कर लेते हैं, जो जैन कीर्ति स्तंभ है
ये सात मंजिला है, सात मंजिला है और 75 फीट ऊंचा है। इसका निर्माण कुंभाजी ने नहीं करवाया, लेकिन इसमें जीर्णोद्धार का कार्य महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया है। जीर्णोद्धार महाराणा कुंभा, जीर्णोद्धार महाराणा कुंभा द्वारा करवाया गया। सात मंजिला 75 फीट ऊंचा है। इसका निर्माण कुंभाजी ने नहीं करवाया, जैसे मैं बोल रहा हूं, इसका निर्माण एक जैन ने करवाया है, जीजा साहेब बघेरवाल। इसका निर्माण जीजा साहेब बघेरवाल ने करवाया है। महाराणा कुंभा ने इसका जीर्णोद्धार करवाया है। इसको जैन कीर्ति स्तंभ इसलिए बोल रहे हैं, जैसे वो पहले वाला भगवान विष्णु को समर्पित था, ये आदिनाथ को समर्पित है। आदिनाथ जैनियों में पहले तीर्थंकर हुए हैं, आदिनाथ जैनियों में पहले तीर्थंकर हुए हैं, उन आदिनाथ को समर्पित है। ये जैन कीर्ति स्तंभ है और जीर्णोद्धार महाराणा कुंभा ने, सात मंजिल है और 75 फीट ऊंचा है। निर्माण जीजा साहेब बघेरवाल ने करवाया। ये राजस्थान के चित्तौड़ किले में मौजूद दो विजय स्तंभ है। बाकी बात अपन कुछ करते हैं ब्रेक के बाद, और बने रहिए ग्लोबल क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। उसी चीज को पढ़ना है जिसको अपन पढ़ के स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सके। धन्यवाद।